नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अ फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द प्लेन, और ये प्लेन पहले से 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था। अब अगर पैकेट को ड्रॉप किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, वर्टिकल दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब ये 500 मीटर गिरता है, तो 500 मीटर गिरने के बाद क्या होगा? देखिए, 500 मीटर गिरने के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 50 ही रहेगी मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ भी ये वेलोसिटी गेन कर लेगा वी वाई। इसको हम निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन से अप्लाइंग इन वाई डायरेक्शन, जो हो जाएगी √2gh, एंड √2gh क्या होगा, 210 एंड h वॉज 500, तो ये हो जाएगा 10,000 विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। सो क्लियरली इसका y कॉम्पोनेंट 100 होगा और x कॉम्पोनेंट 50 होगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2। अब यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स -2, तो इसका मतलब ये कन्वेंशन ले रहे हैं कि ऊपर के एंगल को पॉजिटिव लेंगे और नीचे के एंगल को नेगेटिव लेंगे। तो अभी हमारे पास जो चार चॉइसेस है, सबसे बेस्ट चॉइस हमारी ए है। ओके,